हे गाइस, दिस इज माय ब्लॉग चैनल। अच्छा, एक आदमी मेरे को मिला एक दिन, तो मैं ऐसी वीडियो बनाते हुए जा रहा था, कह रहा भाई क्या करते हो, मैं भी ब्लॉगर हूँ। कह रहा अच्छा, कह रहा कितने फॉलोअर्स हैं, कितने सब्सक्राइबर हैं, मैं बोला 3। कह रहा 3 मिलियन। उस दिन मैंने नया नया ही बनाया था चैनल। बोला फिर कितने, मैंने 3 है। कह रहा चल निकल। कह रहा 3 सब्सक्राइबर लेके घूम रहा है, बोल रहा मैं ब्लॉगर हूँ। देखी जी रावत जी से मिलो। देखी जी रावत जी से मिलो। आप क्या हो? बाकी देखो हवा चल रही है भाई इधर। हवा चलने के कारण आवाज में थोड़ा सा रुकावट हो सकती है, तो मतलब खेत के लिए क्या बोलते हैं, खेत के लिए क्या है, खेत है व्यवधान के लिए, खेत है। गुड मॉर्निंग गाइस, तो कैसे हैं आप? तो बाकी भाई टाइम हो रहा है अभी सुबह के 12:15। एंड भाई मैं ना 11 बजे रेडी हो गया था। एक्चुअली मेरे को निकलने ही वाला था, तब तक हमारे एक भाई साहब है पूरन भाई साहब, उनकी कॉल आ गई कि उनकी छुट्टी है करके आज, तो वो आ रहे इस साइड में। तो मैंने कहा ठीक है, जब आप आ रहे हो तो भाई मैं रुक जाता हूँ फिर, और फिर मैंने सोचा अभी खाना वाना बना लेता हूँ, फिर खाना वाना खा के फिर निकलेंगे भाई साथ में बाहर। तो बाकी वो आ रहे हैं अभी, उनसे भी मिलवाते हैं आपको गाइस, और मैं करता हूँ तब तक खाना रेडी। तो भाई खाना रेडी हो गया भाई, और अभी पता नहीं भाई साहब कहाँ पहुँचे, तो मैं उनको एक बार कॉल करता हूँ। तो भाई जैसे मैं फ़ोन करने वाला था ना, उससे पहले भाई साहब की कॉल आ गई और वो पहुँच चुके हैं सोनाटा। तो मैं भी नीचे चलता हूँ क्योंकि वेट तो होने ही बनेगा उनके पास चार्ज करने। एंड ओह माय गॉड, अंदर तो काफ़ी गर्मी फील हो रही थी, लेकिन बाहर तो वेदर ऐसे ही लग रहा, मतलब बादल बादल से लगे हुए, तो देखते हैं बाहर जाते हैं मतलब। तो भाई जब भी देखो बाहर का वेदर, मतलब थोड़ी सी गर्मी है लेकिन बादल लगे हुए हैं भाई, मतलब पूरे ना। तो चलो यहाँ पे आएगी बस 7 नंबर 22 नंबर, क्योंकि सोनाल्टा से वही आती है, 7 नंबर तो नहीं 22 नंबर आती है शायद उधर से सोनाल्टा की साइड से। भाई 22 नंबर बस ये आ गई है, ये सोनाल्टा की साइड से आती है, तो मैं थोड़ा आगे जा रहा था उनको लेने, तो देखते हैं भाई आए नहीं आए, इसमें कॉल करने वाला था तब तक ये बस आ गई, तो पहले देखते हैं भाई साहब आए नहीं आए। 2 लेडीज़ 3 जेंट्स कुत्ते के साथ में उतर रहा भाई। तो भाई भाई साहब इस वाली बस में तो आए नहीं अभी ये साहब। तो भाई भाई साहब पहुंच तो गए हैं, लेकिन दिक्कत ये होगी उनको ना, लोकेशन समझ नहीं आ रही है, और वो पता नहीं अंदर चले गए कहाँ चले गए पता नहीं, कॉल पे बात हुई तो मैंने उनको बोला भाई 14 इंच पे सीधा आओ 21 एवेन्यू की तरफ, और मैं यहाँ से आ रहा हूँ। तो देखते हैं अभी, क्योंकि भाई बस अभी आ चुकी है, और बस फिर 15-20 मिनट में आएगी दूसरी बस, तो तब तक तो भाई बंदा पैदल ही पहुँच जाएगा इधर। अरे भाई जी घुस जाओ इधर। अरे कहाँ घुस गए भाई जी तुम? डाउनटाउन इधर है ना भाई जी। भाई जी प्रणाम, कैसे हो? भाई साहब रास्ता भूल गए बताओ आज यार। नहीं मैंने क्या बोला आपको, मैंने कि आप सोनाल्टा उतरे तो फिर डाउनटाउन की साइड आओ नीचे 14 स्ट्रीट पे, तो ये वाला रोड है 14 स्ट्रीट, ये मेन एक ही रोड है 14 स्ट्रीट, सबसे लंबा जो रोड है ना। मैं सोचा था कि डाउनटाउन, आपने बोला मैं ब्रिज के नीचे खड़ा हूँ, तो मैंने सोचा ये वाले ब्रिज के नीचे खड़े आप। और सुना तो मजे। तो भाई जब थोड़ा सा इसमें आया मैं डॉलर राम शॉप में, और यहाँ से अपने को थोड़ा सा क्या उठाना है, साबुन वाला कपड़े धोने वाला खत्म हो गया था, तो यहाँ पे थोड़ा सस्ता मिलता है इस साबुन की साइड मिलेगा भैया। ओके थैंक यू सॉरी। तो चलो भाई साबुन तो मिल गया भाई, अभी देखते हैं आप कपड़ा धुलाई किस दिन होती है, तो आज कपड़े भिगा देंगे, बाकी देखते हैं अभी कल परसों 2 दिन और छुट्टी है, फिर जब टाइम मिलेगा धो लेंगे भाई, नहीं तो 1 महीने से कितने सारे इकट्ठे हो रहे थे रूम पे, मन ही नहीं करता धोने का भाई जी। हाँ काहे के मजे हैं, 10-10 घंटे भाई ले लेते हैं ये लोग खड़े खड़े, हालत ख़राब करवाते हैं, 10 घंटे मैंने आज तक करी नहीं जॉब। चलो भाई जब हम पहुँच गए भाई अपने क्या बोलते हैं घर पे, जी
ये ब्लॉगिंग के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है भाई जी। चार पाँच घंटे का शूट करके फिर 5 मिनट की वीडियो बनती है। कनाडा में बहुत सारे इंडियन ब्लॉगर हैं, मैं सोचा मैं भी बन जाता हूँ। सही है, यही तो पिछला था, यही हुआ मेरा हाथ फ्रैक्चर। यहाँ पे नहीं है, ऊपर वाली सीढ़ी पे भी दिखाता हूँ। लिफ्ट नहीं है ना इसी में, इसीलिए तो सीन हो गया। लिफ्ट होती फिर अगर टाइम खराब होता तब तो लिफ्ट हो, कुछ भी हो भाई। नहीं ये वाली सीढ़ी पे हुआ भाई मेरा पैर स्लिप, यहाँ पे यहाँ से मेरा पैर फिसला, मेरा हाथ यहाँ, सारा वेट मेरे हाथ पे आ गया। और गर्मी हो रही है ना, वाली चाबी है छोटी वाली ये, हाँ यही डन। वेलकम टू माय होम, कैसा लगा आपको घोंसला? नाइस। ये लिविंग एरिया, यहाँ पे मैं रहता हूँ और बाकी 2 रूम और हैं अंदर। ये सामने दादा रहता है, ये वाले हाँ, और उससे अगले वाले रूम में अपने गढ़वाली भाई है इधर पिलखी साइड के, गोविंद भाई साहब वो रहते हैं। ले आओ जी भाई जी, थैंक यू भाई जी। पानी और देना भाई। फाइनली हम रूम पर पहुंच गए ना अभी, और भाई जी भी चैनल यूट्यूब पर है। भाई जी चलो ना वीडियो एडिट कर बिट कर ले, तो हम अभी सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हैं इनके फ़ोन में BN। तो भाई जी अभी टाइम हो रहा है भाई 6:30 और हम लोगों ने खाना खाने के सो गए थे। चाय लेके आ रहा हूँ आपकी, उधर ही रुको ना, वही खड़े रह पीते हैं आराम से। ये लो आपकी चाय, और ये हमारा ब्लॉग स्टार्ट हो गया। चलो हम भी आ रहे हैं बाहर। तो भाई बाहर का जो वेदर है ना भाई, अभी काफ़ी ख़तरनाक हो रखा, मतलब बारिश आने के पूरे चांसेस हैं। और ये देखो भाई, वाह भाई कैसा लगा आपको डाउनटाउन? मौसम सही है या इधर सही है? मतलब आपको कौन सा एरिया पसंद आया, उधर वाला या इधर वाला? इधर कहाँ जा रहे हैं ना, वहाँ पे इतनी पब्लिक नहीं दिखाई देती। और वैसे चाय करना नहीं था सच्ची सच्ची बात है, झूठ में बोले वाला क्या बात कर रहे हो, इसने क्या लगा रखा होगा? ने पता नहीं क्या भाई सामने वो देख रहे हो ना सीढ़ी पे कुछ स्पीकर से लगा रखे छोटे छोटे स्पीकर हैं वो। Maybe. आप कह रहे हो ब्लॉगिंग कर रही हो भाई जी, डांड पड़ेगी भाई, डांड पड़ेगी, डांडो डांडो, ओ माय गॉड, ओले पड़ रहे गाइस, ओले ये देखो। तो गाइस अभी टाइम हो गया भाई 7:28 और अब हम लोग निकल चुके हैं रूम से। तो भाई जी कैसा रहा आज का दिन? बढ़िया रहा, मजा आया नहीं आया? मजा आ गया। तो यार अच्छा लगता, मतलब जब हाँ, तो भाई काफ़ी अच्छा लगा मुझे भी भैजी के साथ में बैठ के आज। और अच्छा लगता है यार, मतलब जब अपने कोई मतलब गढ़वाली भाई लोग मिलते हैं ना, तो वैसे मैं भैजी को ज़्यादा टाइम से नहीं जानता हूँ, 1 महीना हो गया ना, 1 महीने पहले बात हुई थी हमारी फ़ोन पे, हाँ ऐसी कुछ हुई थी। तो बाद में मैं गया था इनको मिलने, और उसके बाद आज भैजी आ गए अपने रूम पे, क्या बोलते हैं उसको, अभी मिलना जुलना जो है ना लगा रहेगा। कौन भी ऑन भी रहा है तब, मैंने बोली कल ही हो गई नहीं तब जाना, आज तब के कहना दुकान बनता है आज लड्डू की, तब देख लेता है कि वार आलम है, जब तब मैं कल ही कुल रहा कुल बने के। तो मजाक कर रहे हैं आज, बाकी यार बस का चेक करते हैं एक बार, ध्यान है कि तुम सने बुरी पक्का? चलो तब उतरा, यह कही यार अग्नि बिट चला दो, अग्नि बिट चलो फिर, गेट खुली ऊंची। थैंक यू ब्रो, दिस इज नॉट ब्रो, ये सारे नेटिव है यार के ना? हाँ नेटिव है। तो गाइस फाइनली हम डाउनटाउन में आ चुके हैं भाई, अभी प्लान में थोड़ा सा चेंज हो गया। तो पहले मैं भैजी को ले जा रहा हूँ इधर आगे, एक रिवर है ना बॉ रिवर, रिवर दिखाने के लिए, और उसके बाद हाँ फिर उसके बाद हम आएंगे वापस
मेट्रो में फिर बैठी। अरे ऐसे मत बोले यार, तुम यार क्या बात कर रहे हो, पहली बार तो आज आए हो आप इधर, बड़ी मुश्किल से मिलने, धक्का मारेंगे तुम ज्यादा बड़ी गाड़ी नहीं, धक्का मारी भाग भी जाला बगड़ी नहीं तुम तक सच्ची बिग टिच एज में दिखें तो थोड़ा बड़ी छनिया नहीं बड़ी तब का ज्यादा गहरी नहीं भाई। हे गाइस दिस इज माय ब्लॉग चैनल। अच्छा एक आदमी मेरे को मिला एक दिन, तो मैं ऐसी वीडियो बनाते हुए जा रहा था, कह रहा भाई क्या करते हो, मैं भी ब्लॉगर हूँ। कह रहा अच्छा, कह रहा कितने फॉलोअर्स हैं, कितने सब्सक्राइबर हैं, मैं बोला 3। कह रहा 3 मिलियन। उस दिन मैंने नया नया ही बनाया था चैनल, मैंने बोला नहीं नहीं। कह रहा फिर क्या है 30,000 में 300K होंगे, 300K बोला उसने 3 मिलियन के बाद। अरे मैं बोला भैया 300K भी नहीं है। कह रहा भाई कितने हैं फिर 30,000, मैं बोला नहीं। बोला फिर कितने हैं 300, मैं बोला नहीं। बोला फिर कितने, मैंने 3 है। कह रहा चल निकल। कह रहा 3 सब्सक्राइबर लेके घूम रहा है, बोल रहा मैं ब्लॉगर हूँ। तो गाइस फाइनली हम अपनी भाई फाइनल लोकेशन में पहुँच गए भाई जी, पहुँच गए ना हम, गार्ड ऑन पोर बुटी गार्ड भाई, कनाडा में नौकरी छने आनी भाई बस, तो फाड़े मार दे गार्ड अपनी कन तब। बाकी देखो हवा चल रही है भाई इधर, हवा चलने के कारण आवाज में थोड़ा सा रुकावट हो सकती है। है ना, तो मतलब खेत के लिए क्या बोलते हैं, खेत के लिए क्या है, खेत है के लिए खेत है। ये देखो गाइस क्या व्यू है यार, हमारी आंखों से देखो आप। हाँ वो क्या सही लग रही है बिल्डिंग यार, व्हाट इज दिस। अगर हम उधर सामने को जाएंगे तो वहाँ से ट्रेन मिलेगी, नहीं मिलेगी? ट्रेन इधर है, ट्रेन स्टॉप जाना पड़ेगा। इधर तो बस है उधर। ग्रहम, ग्रहम क्या होता है, ग्रहम क्या होता है जी? ग्रहम तो है ना जिसमें टेलीफोन की होती थी। हाँ लेकिन वो वाला ग्रहम नहीं है। आप भी कहाँ चलाएगी, चले गए उधर मतलब। ये देखो गाइस यहाँ पे फोटो शूट चल रहा है, मतलब व्यू है यार यहाँ पे, क्या कमाल का व्यू आ रहा है गाइस। भाई जी फोटो हो जाए यहाँ पे, एक एक फोटो, चलो फोटो लो फिर आप अपने कैमरे से और आप फोटो लो, मैं वीडियो बनाता हूँ। लाइव जा रहे हो आप? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब देखते हैं आपके लाइव पे कितने बंदे आते हैं। तो गाइस यहाँ पे लाइव चालू कर दिया हमने भाई के आईडी से, और मेरे बाल यार ऐसे हो रहे हैं इसलिए मैं टोपी डाल के रखता हूँ, मतलब बहुत बड़े बड़े हो गए बाल एक्चुअली। यहाँ पे क्या है ना भाई, मतलब कटिंग के रेट बहुत ज़्यादा है। ये राफ्टिंग ये आपको लेना पड़ेगा बहुत रेंट पे, और घूमते रहो पूरे दिन, ये भी सही है। तो भाई यहाँ पे लाइव चालू हो गया अभी, और इनको दिखाओ भाई लाइव में जरा। गाइस देखो इसके अंदर हम जा रहे हैं अभी, क्या कमाल का व्यू आ रहा है, मज़ा आएगा आपको भाई। आप लोग को ना कैमरे में इतना मतलब फील नहीं हो रहा होगा, लेकिन भाई हमारी आंखों से देखो भाई। हेलो हेलो हेलो, कौन आया भाई, ऑनलाइन कौन है गाइस, प्लीज कमेंट भाई, पहचान लो गाइस, कोई जानता है तो आ जाओ, आ जाओ भाई। मेरे को कोई जानता है क्या, जो जानता है तो सब्सक्राइब कर लो भाई मेरा चैनल। भाई सोया नहीं है, कल ना बोर्ड भी सो रहा हूँ। भाई मजे ले रहा है वो जिंदगी के। तो गाइस फाइनली भाई हम ब्रिज के ना इस साइड आ चुके हैं, और ये सामने का व्यू देखो गाइस, ये सामने से दिख रहा है, ये है डाउनटाउन पूरा एरिया। और ये भाई ये देखो रिवर, देखो गाइस इधर ये है बॉ वैली रिवर, और क्या व्यू आ रहा है भाई कमाल का यार। ये देखो गाइस आज फाइनली हम गोरों से मिल चुके हैं, ये है यहाँ के गोरे, और उनको समझ नहीं आ रहा था ऐसे क्या बोल रहे हैं भाई, किसी किसी को समझ आता थोड़ा थोड़ा, जैसे आप मेरे रस्ते में जाओगे ना वहाँ पर थोड़ा बहुत हिंदी बोलोगे उनको समझ आएगा, मैंने सिखा दिया उनको। अच्छा हेलो भाई, ये घास खाते हैं क्या, हैं बारिश दोबारा से आने वाली है। अब हम लोग फटाफट से निकलते हैं भाई मेट्रो की तरफ, आई होप कि भाई हम भीगे ना। रुक जा ऊपर वाले, रुक जा बारिश, रुक जा ऊपर वाले नहीं नहीं मैं ऊपर वाले का ये बोल रहा हूँ। अरे नहीं हमारे ऊपर काला है, हमारे ऊपर काला है गाइस, और सामने साफ है एकदम। इधर ये है ना डबो, है डबो, हाँ ये रिवर का नाम है बो रिवर। या नेगी जी रावत जी से मिलो, नेगी जी रावत जी से मिलो।
ना, मेरा हाथ देखो ना मेरे ग्रह खराब चल रहे यार आजकल। तो गाइस फाइनली हम बिल्कुल भाई नदी के किनारे किनारे पहुंच चुके हैं इधर फर्स्ट स्ट्रीट के पास में। और ये है चाइना टाउन और यहाँ पे भाई पूरा चाइनीज लोग का कब्जा, मतलब समझ सकते हो। अभी देखो चाइनीज में लिखा हुआ सामने, चाइनीज में जापनीज में, ये चाइनीज में ही होगा ना, चाइनीज और जापनीज थोड़ा सेम सेम नहीं होती। भाई मेरा हाथ थक गया यार, मतलब फोन को ऐसे पकड़े पकड़े यार। तो गाइस अगर कोई कैमरा मैन की जॉब कोई करना चाहता है तो भाई मेरे पास जॉब है क्योंकि मेरा हाथ दुख जाता है ऐसे कैमरे को पकड़ते पकड़ते। तो अभी फॉलोअर्स बहुत हो चुके हैं अपने, मतलब मिलियन में आ गए। तो मैं सोच रहा हूँ एक कैमरा मैन रखा जाए अभी, जो खाली अपना कैमरा हैंडल करेगा और मैं बकचोदी करता रहूँगा, मतलब ऐसे ही हाँ मतलब बोलता रहूँगा। बोलना क्या है, इतना अच्छा तो नहीं बोलते हम, लेकिन उसको बकचोदी बोलेंगे फिर, जो मैं बोलता हूँ ना ये बकचोदी में ही आता है। हाय गाइस, ये सारा सीन है भाई। और पता गाइस किसको बोलते हैं अपने इधर हौर, हौर जब गेहूँ पकता ना गेहूँ तो उनसे भरे होता तो बोले अपने हौर, पता ची खाए तुम भौर का भौर भैया क्या बार मैंने खाए भौर मेरे गिर पर भाई पिड़ा भयंकर कसम से। तो भाई फाइनली हम पहुंच चुके हैं भाई सिटी हॉल स्टेशन पे और अब हम ट्रेन का वेट कर रहे हैं यहाँ पे। तो मैं भाई जी को छोड़ने जा रहा हूँ। बाकी आज का ब्लॉग मुझे लग रहा है काफ़ी लंबा हो गया है। बरुली बानी लगी चितुरे, बानी लगी चितुरे।